Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you. Welcome students, welcome to the channel. In this video, we will see the models of curriculum development. पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न मॉडलों की चर्चा इस मॉडल इस वीडियो में हम करेंगे जिसमें कि हम uh, फोकस फ्रैंकलिन बॉबिट पर करेंगे फ्रैंकलिन बॉबिट पाठ्य निर्माण के क्षेत्र में अनुपम भूमिका निभाते हैं एंड ही इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड फेमस पर्सनैलिटी इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन सो लेट स्टार्ट सो वी विल स्टार्ट विद द पर्सनल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैंकलिन बॉबिट फ्रैंकलिन बॉबिट शिकागो विश्वविद्यालय में शैक्षिक प्रशासन के प्रोफेसर रहे और ट्वेंटी सेंचुरी में उन्होंने पाठ्यक्रम स्थापित पाठ्यक्रम के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई उनके द्वारा दो बुक लिखी गई पहली थी कैरिकुलम और दूसरी थी हाउ टू मेक कैरिकुलम सो so, द कैरिकुलम नाम से जो बुक थी वो 1918 में लिखी गई और इस बुक को हम बिगनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड कैरिकुलम के रूप में देखते हैं क्योंकि इस बुक को लिखने से पहले For franklin bobbitt realized that it was not enough to just develop a new curriculum but saw that there there was a need to learn more about how the new curriculum could best be developed so this insight in insight into come through the vast experience in the field of curriculum Unke उन्होंने इस बुक को लिखने के बाद सभी के साथ शेयर किए और वो ये थे कि इस बुक को लिखने से पहले वो एक अकादमी में एक समिति में सदस्य थे और उस समिति को अमेरिका के कब्जे वाले फ़िलीपींस क्षेत्र के एक स्कूल जो कि प्राथमिक स्कूल था उस स्कूल के पाठ्यक्रम का निर्माण का कार्य सौंपा गया और इस कार्य को करने के लिए समिति ने फिलीपींस में जो उस एरिया के बच्चे थे उनके सिनेरियो को कंसीडर किए बिना ही एक ऐसा कोर्स बना दिया जो कि उनके ट्रेडिशन से उनकी सोशल पर्सपेक्टिव से मैच नहीं खाता था और उसमें साफ अमेरिकन प्रजोडाइज उस कैरिकुलम में झलक रहे थे तो ये सिलेबस जब इम्प्लीमेंट हुआ तो ये बुरी तरह से इसको नकारा गया और फिर बाद में ये हटा हटा दिया गया तो इस अनुभव के बाद फिलीपींस में हुए इस अनुभव के बाद बॉबिट ने एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से पाठ्यक्रम निर्माण में हमें सामाजिक नीड सामाजिक आवश्यकताओं और सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है सो हिज एक्सपीरियंसिस लीड हिम टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ़ दीज एक्सपीरियंसिस ही वर्क हार्ड इन दिस फील्ड सो अकॉर्डिंग टू फ्रेंकलिन बॉबेट एजुकेशन इज़ अ शेपिंग प्रोसेस एज मच एज द मैनुफेक्चर ऑफ स्टील रेल्स जिस तरह से स्टील की हम रेल यानी ट्रेन को बनाते हैं वो बनाना एक हार्ड प्रोसेस है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा लगती है उसी तरह से एजुकेशन है जो कि ूमन बींग्स को स्टूडेंट्स को शेप देती है उनकी पर्सनैलिटी को निखारती है सो इट इज़ ऑल्सो अ बिग एंड कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस और ही वॉज़ द फेमस फॉर डेवलपिंग द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिकुलम एंड ही

जॉब की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर समस्या को दूर कर सकते हैं उस टास्क को जो डिसाइड किया गया है उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड उसको हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं सो so, इस क्षेत्र में इस फील्ड में फ्रैंकलिन बॉबिट को ऊंचा स्थान प्राप्त है और जैपनीज डिक्शनरी में फ्रैंकलिन बॉबिट के लिए लिखा गया है कि ही वॉज़ द वन हु बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कैरिकुलम थ्योरी तो चलिए आगे चलते हैं उनकी लाइफ उन बर्थ को उनकी पर्सनल लाइफ को देखते हैं सो फ्रैंकलिन बॉबिट का जन्म सिक्सटीन फैब 1876 में हुआ और वो और स्मिथ और जेम्स बॉबिट की पहली संतान थे एंड उनके करियर में उन्होंने 1902, 1902 से 1907 से तक उन्होंने फिलीपींस के एक सामान्य से स्कूल में टीचर का काम किया और इस दौरान उनके स्कूल में अमेरिका के थ्रू काफ़ी सारी टेक्स्ट बुक प्रोवाइड की गई और जो कि जिससे कि फिलीपींस के जो बच्चे थे वो पूरी तरह अनफेमिलियर थे वो उनके सोशल उनके मेंटल पर्सपेक्टिव से मैच नहीं खा रही थी तो उस समय बॉबिट ने डिसाइड किया कि टेक्स्ट बुक्स में हमें चेंज करना चाहिए तो लोकल नीड्स के अनुसार उन्होंने टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे चेंजेस भी करवाए और अपने व्यवसायिक जीवन के प्रारंभिक दस वर्षों तक उन्होंने एजुकेशन में एडमिन में काम किया एडमिनिस्ट्रेशन को देखा और उन्होंने ये कोशिश की कि, कि किस तरह से छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेके एक स्कूल की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है उसको ज़्यादा प्रभावी बना दिया जा सकता है तो अपने professional life ke starting kit thus version educational administration ka role play. Kea. Now we will see the model which was given by Franklin bobbitt in order to construct a curriculum. And in his model he says five steps in order to make a curriculum. And in this regard, the first step is analyze of human experiences. So as per bobbitt human experiences are different and varied and these uh, these experiences should be categorized on the first level on the basis of the specialization as different different student face different different experiences and in the second level job analyses which means that we have to break down the fields into their more specific activities and on the third level we have driving objectives and on this level franklin bobbert says that the objectives of the education should be decided at this level on the basis of the performance and the activities which means uh, the performance which we are required or which we are uh, thinking that these students should have all these performances all these activities in future through this curriculum

द सेलेक्टिव ऑब्जेक्टिवस इन द फोर्थ लेवल ऑन द बेस ऑफ द पीपल्स एक्टिविटीज तो स्टूडेंट की एक्टिविटी के बेस पर हम उसमें सेलेक्ट कर लेंगे एंड दैन ऑन द फाइनल लेवल प्लानिंग इन डिटेल दो ऑब्जेक्टिव विच वी चूज ऑन द फोर्थ लेवल आर नाउ एग्जीक्यूटेड ऑन एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज विच 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 प्रोवाइड अ proper प्रपर with विद द एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट्स सो दिस इज द फाइव लेवल नाउ वी विल explain it in Hindi. कि पहले चरण में उन्होंने बोला कि मानवीय अनुभवों की जो विस्तृत श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे अलग अलग अनुभव हैं हर बच्चे के अनुभवों का क्षेत्र अलग होता है तो उन विस्तृत श्रृंखलाओं को हम कुछ क्राइटेरिया uh, सेट करके उनको अलग अलग क्षेत्रों में बांट देंगे इन अनुभवों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटने के बाद दूसरे चरण में हम उनको अति विशिष्ट गतिविधियों के आधार पर स्टूडेंट्स की जितनी भी गतिविधियाँ हैं उनके आधार पर फिर से उनको विशिष्ट रूप से एक बार और कैटेगराइज कर देंगे देन तीसरे चरण में हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे इसमें हम डिसाइड करेंगे कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और उन उद्देश्यों को स्टूडेंट की आवश्यकताओं के साथ उनकी क्षमताओं के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे और अगले चरण में चौथे चरण में हम उद्देश्यों का चयन करेंगे यानी जो हमने तीसरे चरण में उद्देश्य डिसाइड किया उनमें से जो स्पेसिफिक हैं जो हमारे सूट कर रहे हैं एक्टिविटी को गतिविधियों को उनको हम अपने उसमें ले लेंगे और पांचवें चरण में हम उद्देश्यों के लिए जो हमने फोर्थ चरण में जितने सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव थे उनको हम उनके लिए हम विस्तार से योजनाएं बनाएंगे और ये सभी योजनाएं गतिविधियों और अनुभवों के आधार पर बच्चों की उनके आधार पर निर्धारित होंगी और उनके साथ मैच करती हुई होंगी तो इस प्रकार फ्रैंकलिन बॉबिट के मॉडल में पांच चरणों का विश्लेषण किया गया नाउ वी विल सी द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉबिट मॉडल सो so, बॉबिट के अनुसार पाठ्यक्रम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन उनमें जितनी भी गतिविधियां हैं यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ को हम शामिल करते हैं वो शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों से मेल खाती हुई होनी चाहिए विच मीन्स दैट द स्पेसिफिक टीचिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी मैच विद दीज एक्टिविटीज़ अगर शिक्षा के जो मेन विशिष्ट उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे हमारे विषयों से संबंधित गतिविधियाँ मैच नहीं खाएंगी तो हमारा पाठ्यक्रम का इम्प्लीमेंटेशन इतना सही तरीके से नहीं हो पाएगा इसके अलावा बॉबिट ने बोला कि ये जो एक्टिविटियाँ एक्टिविटी हैं जो हम बच्चों से एक टीचर करवाता है वो एक ड्राइविंग का फोर्स का काम करती हैं और इसी तरह से ये कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन में परिवर्तन ला सकती हैं और वो उसके बनाने पर भी अधिक अधिक प्रभाव डालती हैं तो इस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि बॉबिट का जो ये थॉट है ये जो दृष्टिकोण है ये कंसेप्ट जो है वो व्यवहारवाद यानी कि बिहेवियरिज्म के ज़्यादा करीब दिखाई देता है क्योंकि व्यवहारवाद में भी एक्टिविटी बेस्ड रियल एक्सपीरियंसड एजुकेशन की बात कही गई है और वही बॉबिट ने भी कहा है तो यहाँ व्यवहारवाद और बॉबिट दोनों काफ़ी करीब नज़र आते हैं इन द नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी दैट एज पर द बॉबिट फ्रैंकलिन बॉबिट ने बोला है कि जितने भी एक्सपीरियंस हैं जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एक्टिविटीज़ जो हमारे स्टूडेंट के हम सब्जेक्ट में करवाते हैं वो उससे जितने भी एक्सपीरियंस लेते हैं वो सोसाइटी के साथ मैच किए होने चाहिए मतलब सोसाइटी को ऐसे स्टूडेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए हमें ऐसे नागरिक प्रदान करने चाहिए जो उसके लिए विकासात्मक हों उसके लिए फ़ायदेमंद हों इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जो उतने भी गोल्स हैं स्कूल जो गोल्स हैं स्कूल में स्कूलिंग सिस्टम के लिए जितने भी गोल्स डिसाइड किए जाते हैं वो इस तरह से डिसाइड होने चाहिए जो सारे हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके उनके साथ मैच करते हुए हों उनके साथ तालमेल बिठाते हुए हों और वो एक ऐसी स्किल को बच्चों में डेवलप करें सक्सेसफुल ताकि वो एक सक्सेसफुल लाइफ एक सक्सेसफुल लिविंग अर्जित कर सकें अपनी डे टू डे लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना सकें और उसी तरह से समाज को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए जा सके तो बेसिकली इस पॉइंट में दो बातों को बोल उन्होंने बोला कि गतिविधियाँ जितने भी एक्सपीरियंसेस बच्चों को हम गतिविधियों के द्वारा करवा रहे हैं वो सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग होने चाहिए जैसे जैसे परिवर्तन समाज में आ रहा है वैसे वैसे इसमें भी परिवर्तन आना चाहिए और दूसरा हमारे जो गोल्स हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करते हुए होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि हमारे बच्चों में वो ऐसी स्किल पैदा करें ताकि वो एक सक्सेसफुल लाइफ अपनी जी सकें एंड थर्ड पॉइंट में बॉबिट ने डिफाइन किया कैरिकुलम को एक वाइडर प्रोस्पेक्टिव में बॉबिट ने शिक्षा जो कि एक वृहद आयाम लिया हुआ टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं शिक्षा जो कि जिसे हम जन्म से मृत्यु तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया कहते हैं उसे कैरिकुलम के बराबर बॉबिट ने संज्ञा दी बॉबिट ने कैरिकुलम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया उनके अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि किसी भी बच्चे विशेष या किसी एडल्ट विशेष की तरफ झुका हुआ ना हो यानी उसमें बायस, बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए द कैरिकम शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसनेस और इसके लिए इस बायसनेस को हटाने के लिए कैरिकुलम कंस्ट्रक्टर जो हैं जो मेकर हैं उसके वो ऐसी फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ उसमें इन्वॉल्व करें ताकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड सारे एज लेवल को डील करती हुई सभी आयु स्तर के बच्चों को एक साथ लेती हुई ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कई सारी चीज़ें उसमें एक श्रृंखला के रूप में पिरो दी जाएँ ताकि वो अच्छे से विकसित बच्चे को करें और पूरे समाज उससे लाभ ले सके देन नेक्स्ट ही डिस्क्राइब्स दैट he advocated the vocational education and he said that vocational education is essential for the enlightenment or or the improvement of the society if you want to enlighten a person you should give him a vocational education to yahan pe vocational education yani vyavsayik shiksha ko बॉबिट ने महत्व दिया और इसे समाज सुधार के रूप में देखा इसके अलावा he said that कि व्यवसायिक शिक्षा जो है वो सिर्फ जिसमें कि केवल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाना चाहिए बच्चे को इसके अलावा वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी भी सिखाई जानी चाहिए मतलब समाज में जो मूल्य हैं जिनको हम फॉलो करते हैं उनके बारे में भी जानकारी इस वेकेशनल एजुकेशन में बच्चे को दी जानी चाहिए जिससे कि वो सिर्फ़ ना केवल एक प्रशिक्षण प्राप्त करे बल्कि वह समाज की रीतियों नीतियों और प्रक्रियाओं से भी परिचित हो जाए तो इस दृष्टिकोण से इस कंसेप्ट से बॉबिट जो हैं डीवी के ज़्यादा क्लोज नज़र आए डीवी के विचारों से ज़्यादा परिचित नज़र आए और अगले पॉइंट में उन्होंने कहा कि जो कन्वेंशनल स्कूल हैं जिसमें सब्जेक्ट्स सिस्टम जो हम आज फॉलो करते हैं उनको हटाकर हमें क्षमताओं के अनुसार बच्चे की कैपेबिलिटीज़ के अनुसार उसकी इंडिविजुअल एजुकेशन दी जानी चाहिए और उनकी क्षमताओं को निखारने के लिए शिक्षण अच्छी शिक्षण व्यवस्था उनको प्रदान की जानी चाहिए नाउ वी विल कंक्लूड द कंटेंट एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट फ्रेंकलिन मॉडल का जो मॉडल था वो वाइडर था और जिसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया वहीं अगर इसे डीवी के मॉडल से कंपेयर किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि उनका मॉडल रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक छोटे ग्रुप के द्वारा फॉलो किया गया और उसका एरिया बॉबिट के मॉडल के एरिया को से कम था और इसके अलावा कंक्लूजन में बॉबिट के मॉडल के द्वारा हमें ये पता चलता है कि उसमें दो प्रॉब्लम्स जो आज के सिनेरियो से आज की शिक्षा की व्यवस्था से मेल खाती हैं वो दिखाई देती हैं बॉबिट के मॉडल से के द्वारा हमें दो प्रॉब्लम्स जो पता चलती हैं वो पहली है कि टीचर का रोल जो कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि टीचर जो कि एक फ़्रंट लाइन वर्कर की तरह कैरिकुलम का निर्माण करता है उसे बनाने में पूरी मेहनत करता है लेकिन अथॉरिटीज़ ने धीरे धीरे उसकी पावर को टेक ओवर कर लिया है और सारी जो व्यवस्था है वो उच्च वर्गों उच्च अथॉरिटी के पास ही जितनी भी पावर है वो पूरी उच्च अथॉरिटी के पास ही हो गई है और दूसरी समस्या जो आज के सिनेरियो से भी मेल खाती है कि टेस्ट जिसे हम परीक्षा भी बोलते हैं या दूसरे शब्दों में बोले एवोल्यूशन जो प्रोसेस है जो मूल्यांकन का प्रक्रिया है हमारे उस चीज़ को इस मॉडल में तवज्जो दी गई उसको इम्पोर्टेंस दी गई और ये बोला गया कि टेस्ट या एवोल्यूशन जो है शिक्षा की व्यवस्था को धीरे धीरे डोमिनेट करेगा और टेस्ट जो एडमिन की रूट में आ, रूट में है उसके बेस में है वो एवोल्यूशन प्रोसेस को मैन्यूपुलेट करेगा यानी एडमिनिस्ट्रेशन एवोल्यूशन प्रोसेस को मेन्युपुलेट करेगा जैसे कि आज के सिनेरियो में देखा जाता है कि स्टूडेंट अंकों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अंक प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं तो ये दो व्यवस्थाएँ दो समस्याएँ मॉडल फ्रैंकलिन के मॉडल से हमें समझ में आती है सो so, दिस समस्या को इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें अथक प्रयास करने चाहिए और अच्छे से अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए इस वीडियो में बस इतना ही वी विल मीट अगेन इन न्यू वीडियो चिल्ड्रेन थैंक यू गुड लक Please subscribe to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.